नमस्ते मैं डॉक्टर राहुल वर्मा हूँ मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ और बच्चों के डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ सर एच एन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल मुंबई सो आज हम थोड़ा प्री यानी कि जो समय से पहले पैदा होने वाले बच्चों के बारे में बात करेंगे so, आ, सो प्री करीबन करीब सौ में से दस बच्चे प्रीमेच्योर बॉर्न होते हैं ये बच्चों को देखभाल करना इनके सही परवरिश करना ये सब हमारा काम होता है जहाँ तक हो सकता है प्रीमेच्योरिटी हम अवॉइड करना चाहेंगे क्योंकि अवॉइडेंस में ही यानी कि न होए प्रीमेच्योर बेबी उसी में सबका भला है तो भी कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे प्रीमेचोर बॉर्न होते हैं और उनकी देखभाल करने के लिए हम उनको न्यू यूनिट में एडमिट करते हैं जितना प्रीटम बच्चा होता है यानी कि समय से जितना पहले पैदा होता है उतनी और हमको उसकी देखभाल करनी पड़ती है कभी कभी उनके फेप से पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं इसलिए उन्हें हम वेंटिलेटर पर भी रखते हैं कभी कभी वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है लेकिन कोई ना कोई साधन तो हमको चाहिए जिससे वो हम टाइम निकाल सकें जहाँ पर उस बच्चे का लंग्स वापस मेच्योर होकर नॉर्मल काम करने लगे इसके अलावा बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि पेट में कोई कोई सुराखें होती है जो नॉर्मली टर्म बच्चा यानी कि जो पूरे नौ महीने के बाद होता है बंद हो जाती है जन्म के बाद ये प्रीमेच्योर बेबीज़ में ये सुराखें खुली रहती है इसलिए हमें उनकी भी देखभाल करनी पड़ती है बच्चों के पेट और आँख भी इमेच्योर होता है यानी कि पूरी तरह से डेवलप नहीं किया होता है इसीलिए जब हम फीड देते हैं तभी हमको ध्यान रखना पड़ता है कि ये फीड टॉलरेट कर सके और कोई इन्फेक्शन ना लगे इन्हें थोड़े और कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं प्रेमेचोरिटी के जैसे कि आ, ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है जैसे कि बड़ों को स्ट्रोक आता है वैसे बच्चों को भी ब्लीडिंग हो सकती है और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये ब्रेन बहुत फास्ट ग्रोइंग होता है सो एनी प्रॉब्लम इस सिचुएशन में होती है वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हो सकता है सो so, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अवॉइड करें या अगर हो तो उसको जल्दी से जल्दी हम ट्रीट करें ताकि आगे उसका प्रॉब्लम ना होए क्योंकि इन बच्चों को काफ़ी टाइम ऑक्सीजन देना पड़ता है हमें ऑक्सीजन से रिलेटेड आँख में भी एक प्रॉब्लम हो सकती है जिसको हम रेटाइनोपैथी ऑफ प्रीमेचोरिटी कहते हैं सो so, उसका भी हमको ध्यान रखना पड़ता है और डिस्चार्ज के पहले हमें क्लियर क्लियर रखना पड़ता है कि बच्चों को रेटाइनोपैथी ऑफ प्रिमेचोरिटी नहीं हो सो so, ओवरऑल हमारी कोशिश यही रहती है कि प्रीमेच्योर बच्चे बॉर्न ना हो जितना हो सके नौ महीने के आसपास हो लेकिन अगर कोई बच्चा उसके पहले होता है तो डिपेंड करता है कि उसको क्या कॉम्प्लिकेशन है उसकी हम क्या देखभाल कर सकते हैं और उसको फॉलोअप कैसे करेंगे इसके अतिरिक्त और जानकारी के लिए आपके लोकल डॉक्टर आपको हेल्प कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच